आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस टीम ने इस आईपीएल में टोटल 11 मैच खेले हैं। इन 11 मैचों में से उनको 4 मैच में जीत मिली है और 7 मैच में उनको हार का सामना करना गिरा है। गुजरात टाइटंस टीम के पास अभी टोटल 8 पॉइंट्स है और पॉइंट्स टेबल पे गुजरात टाइटंस टीम 10वें स्थान पर काबिज है। वही बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग ने इस आईपीएल में टोटल 11 मैच खेले हैं। इन 11 मैचों में से उनको 6 मैच में जीत मिली है और 5 मैचों में उनको हार का सामना करना गिरा है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी टोटल 12 पॉइंट्स और पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई सुपर किंग्स 4th स्थान पर मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार मानी जाती है। यहाँ की पिच फ्लैट है जिसके चलते बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिलती है। इस पिच पर पहले पारी का एवरेज स्कोर है 160 रन। जो भी टीम इस मैच में टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। तो चलिए अब जानते हैं गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम में होंगे रिद्धिमान साहा इस टीम के विकेटकीपर होंगे। शुभमन गिल इस टीम के कप्तान होंगे। साई सुदर्शन, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, नूर अहमद, मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल हो गए। इस टीम में इंपैक्ट प्लेयर हो गए संदीप वॉरियर, विजय शंकर, जयंत यादव, दर्शन नलकंडे और शरद बिहार हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम में होंगे अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड इस टीम के कप्तान होंगे। डैरिल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी इस टीम के विकेटकीपर होंगे। महेश तीक्षणा, शार्दुल ठाकुर, रिचर्ड ग्लिसिन और तुषार देशपांडे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर के बारे में। तो इंपैक्ट प्लेयर के लिस्ट में हो गए समीर रिजवी, समरजीत सिंह, शेख रशीद, मुकेश चौधरी और प्रशांत सोलंकी हो गए। दोस्तों आईपीएल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों टीमों की ड्रीम 11 हेड टू हेड टीम के बारे में। तो इस टीम में विकेटकीपर हो गए रिद्धिमान साहा, बल्लेबाज हो गए साई सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, डेविड मिलर, ऋतुराज गायकवाड़ और डेरेन मिचेल हो गए। ऑलराउंडर के लिस्ट में हो गए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा। गेंदबाजों के लिस्ट में हो गए जोशुआ लिटिल, तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर हो गए। तो दोस्तों इस ड्रीम 11 हेड टू हेड टीम के लिए मैं आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए दो चॉइस देता हूँ। कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी ऋतुराज गायकवाड़ और सेकेंड चॉइस होगी साई सुदर्शन। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी जोशुआ लिटिल और सेकेंड चॉइस होगी शिवम दुबे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ड्रीम 11 ग्रैंड लीग टीम के बारे में। तो इस टीम में विकेटकीपर हो गए रिद्धिमान साहा, बल्लेबाज हो गए साई सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, ऋतुराज गायकवाड़ और डैरिल मिचेल हो गए। ऑलराउंडर के लिस्ट में हो गए शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और राशिद खान हो गए। गेंदबाजों के लिस्ट में हो गए जोशुआ लिटल, तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर हो गए। तो दोस्तों इस ड्रीम 11 ग्रैंड लीग टीम के लिए मैं आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए दो चॉइस देता हूँ। कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी ऋतुराज गायकवाड़ और सेकंड चॉइस होगी साई सुदर्शन। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी रविंद्र जडेजा और सेकंड चॉइस होगी शिवम दुबे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों दिल से इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। गुड बाय, जय हिंद।